दो दो थार एक साथ लगी हुई है। कल भाई यहाँ से बातें कर रहे थे और मैं यहाँ से बातें कर रहा था। यहाँ पे पूल बना हुआ है, ब्रेन डांस का सेटअप है, ये जिम भी है अंदर, ये घोड़ों का फार्म इनका, इसमें यहाँ पे फाउंटेन होंगे और ये फॉसिल्स के पत्थर हैं। फक सोशल मीडिया, आई एम डॉप इन लाइफ रियल लाइफ। पूरी छत बियर की बोतल से मैं हूँ अभी स्मोकिंग जोन में, जो पूरा बियर की बोतल से बना है। ये मंदिर की इमारत, बाबा रामदेव जी की समाधि मौजूद है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सम जैसलमेर। सम से हम जरा पहले रुक गए थे और ये देखिए क्या खूबसूरत सेटअप के साथ में, दो दो थार एक साथ लगी हुई है आप देख सकते हैं। और इधर अभी जस्ट सनराइज हुआ है। आज थोड़ा जल्दी उठाऊ मैं जस्ट बिकॉज कि आज हमें ट्रैवल लंबा भी करना है। और सेम ब्रांड का टेंट है, सब चीजें सेम, वो बहुत ही शानदार। ये 2% टेंट है और ये 3% टेंट है, बस इतना डिफरेंस है। कल रात का हमारा सेटअप बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से नींद आई, बट हल्का फुल्का तो देखो यहाँ जल्दी जा गाई जाती। कल बातें करते करते काफी लेट हो गया था, एंड यार बातें क्यों ना हो जब आपके आमने सामने दो खिड़की हो। कल भाई यहाँ से बातें कर रहे थे और मैं यहाँ से बातें कर रहा था, और बैठे बैठे आमने सामने, ये यहाँ पे और हम यहाँ पे, क्या बात है। बहुत बातें हुई रात के 2 बजे, पता ही नहीं चला। मेरे और... सामने वाली खिड़की में दो मुसलंडे लौंडे रहे। क्या बात है, मौके पे चौका मारा भाई ने। और ये देखिए चाय बन रही है बढ़िया सी, भाई का सेटअप बहुत बढ़िया आप देख पा रहे होंगे, खूबसूरत सेटअप है। एंड आज हमारा चूल्हा नहीं जलेगा। तो जी चाय बन गई, अब पोहे बन रहे हैं आप देख सकते हैं। भाई का सेटअप बहुत परफेक्ट है, तो आप भी कमेंट करके बताओ कि हम ऐसे सेटअप का पंगा ले या ना ले। बिल्कुल लो, भाई ने बोला लो। नहीं सही है यार, परफेक्ट किचन है। एक्चुअली होता क्या है ना कि चीजें मिसमैनेज नहीं जाती है। अब निकाली थार जैसी गाड़ी में, स्पेशली जब झटका आता है ना, तो जो सामान वहाँ होता है वो इधर उधर होता है। और ये जो सेटअप लगा ना, इससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। देखते हैं हम भी लगवाएंगे ऐसा सेटअप, प्लान करते हैं। पीछे के साइड में ना बढ़िया से अपनी किचन हो जाएगी। आगे कोई बड़ी ट्रिप की प्लानिंग करेंगे, उस दौरान हम ये चीज करेंगे। हमारी गाड़ी में अब देखो आप कैसे कैसे सामान पड़ा है, कैसे कैसे, मतलब कोई भी चीज मैनेज तरीके से नहीं है। और कपड़े तो स्पेशली इतने बुरी तरीके से पड़े रहते हैं। एंड इनका सेटअप देखो, ये होते हैं बैचलर लाइफ, ये होते हैं स्मार्ट लाइफ। बड़ी स्पेशल सी चाय बनाई है और चाय की चुस्की लेके आपको बता देंगे चाय का टेस्ट कैसा है, और इस सेटअप के साथ में, और साथ में पोहा सेटअप। आ जाए इधर, आ जाए इधर ही, आ जा। ये क्या बात है भाई, आज तो सवेरे सवेरे पूरी रौनक लगा दी खाने पीने की। अभी ऑलमोस्ट 10:30 होने को आ गए हैं और जाने का टाइम हो गया है, हम निकलेंगे करीब 1 घंटे बाद। और ये आज निकल रहे हैं लोंगे वाला के लिए, और ये फाइनली टेंट पैक हो गया इनका। दोस्तों जो आया है उसको जाना तो होगा ही, बढ़िया सेटअप रहा, होपफुली जल्दी मिलेंगे तो बड़ी तैयारी के साथ। बिल्कुल मजा आया यार कल मिलके ना। हाँ बिल्कुल, मतलब अनप्लान था। वैसे भाई मेरी लाइफ में सब चीजें अनप्लान रहती है, लेकिन प्लान चीजें होती है मजेदार होती है, मजेदार होती है, लेकिन हम इंस्टेंट चीजों पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। चाय हमने भाई के साथ में पी है, हो सकता है फिर कभी चाय और खाना सब साथ में करेंगे, साथ में करेंगे। एग्जैक्टली, अभी भाई निकल रहे हैं तनोट माता मंदिर के लिए, अभी सारा टेंट सेटअप हम पैक करेंगे। सुबह हमें एक अंकल मिले थे, उनके पास आया हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था आप एक बार फार्म विजिट कर लो। तो मैंने बोला अंकल देखो मेरे को नहाने की बड़ी नीड है, तो आज का क्या है कैंप के बाद में नहाना इधर हो जाएगा। अजय सिंह जी का फार्म यही है ना? हाँ ठीक है। एवरीबॉडी अभी मैं हूँ यहाँ एक फार्म में है, जहाँ अपने को एक नॉन अंकल मिले थे। अपनी गाड़ी बिल्कुल अंदर आ चुके, आपको पहले बाहर से दिखाएंगे फिर अंदर का इंटीरियर दिखाएंगे। बड़ी खूबसूरत जगह बनाई है, एंड इनके पास में कैंपरवैन भी है, तो इस टाइप के हट बने हुए हैं। देखो लुक एट दिस, ये मेन एंट्रेंस है, ये अपनी थार, और ये इधर पार्क है, ये अंकल की गाड़ी है इस तरफ, यहाँ से मेन इनका एंट्री है। इधर रूम भी बने हुए, पहले ये यहीं रहते थे, इनकी फैमिली यहीं रहती थी, तो अलग तरीके से बनाया। और सबसे बढ़िया बात ये देखो, गेट पे ये रथ देखने को मिलता है इस तरीके का, जो पहले के जमाने में कहते हैं ना ये बैलगाड़ी से शायद चला करता था। यहाँ पे पूल बना हुआ बहुत ही खूबसूरत, और ये प्यारे प्यारे बच्चे, और ये अंकल में एक ये चीज भी है, उन्होंने रेन डांस का भी बना रखा है यार, बहुत बढ़िया चीज है। तो इससे पानी झरने लगा, क्या बात है, क्या बात है, मतलब रेन डांस का सेटअप है, गजब गजब, बहुत शानदार, पूरे शौकीन हो सर आप। बहुत ही बढ़िया सर। बैठने के काफी सारे अरेंजमेंट बनाए गए हैं, और ये देखो फिर से एक छोटा सा, और वो सामने यार टीवी देखो, कभी गाना वाना शूट करने आएंगे इधर, मेरा मन ऐसा कर रहा है। ये देखो डिस्को बना हुआ है, अंदर के साइड में एक डिस्को भी बना रखा है।
ऊपर भी बैठ सकते हो एंड सामने साइड में इतनी बड़ी स्क्रीन है, मूवी देखो कुछ भी करो। बढ़िया लगा मेरे को, मतलब मैंने ऐसी चीजें नहीं देखी अब तक तो नहीं। स्टेडियम टाइप की चीज तैयार हो रही है, यहाँ पूरा नेट वेट लगेगा एंड क्रिकेट खेलो कुछ भी करो, सामने दर्शक बैठ सकते हैं एंड उधर एक स्क्रीन भी लगने वाली है। तो ये आइडिया मतलब आपको काफी टाइम से रहा होगा ना कि मेरे को अपने मतलब बाहर नहीं जाना, सब चीजें मेरे को एक जगह चाहिए। अंकल क्या बात है, मान गए आपको। टर्टल ये देखिए अंदर की साइड में टर्टल। क्या बात है, थोड़ा वाइल्ड लाइफ भी मिल गया। ये जिम भी है अंदर। नहीं बहुत बढ़िया सेटअप है, एक जगह ही सारी चीजें इन्होंने सेट करके रखी है और ये फुट मसाजर वगैरह। क्या बात है, बहुत ही शानदार। और इधर भी थोड़े अच्छे लेवल के गेम्स जो बच्चों को शायद ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जो अपने को मॉल्स में देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या बात है, नहीं मतलब आपको ये और रहता होगा ना, जैसे आप बाहर गए आपको ये चीज पसंद आई तो देन आपने सोचा कि यार ये लानी है मेरे को, है ना, ये चीज है रहा है ना आपको, मतलब ये चीज देख ली कि यार ये अपने पास होनी चाहिए। नहीं 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 बहुत बढ़िया। ये घोड़ों का फार्म इनका, ये मारवाड़ी नस्ल के, तो अब कितनी नेचुरल सी चीज बना रहे हैं ये। इसमें यहाँ पे फाउंटेन होंगे और ये कॉटेजेस है आप देख सकते हो, इधर घोड़े हैं और इधर आगे ड्यून्स तैयार किया जा रहा है। ये ड्यून्स वाला आइडिया बहुत ही गजब है। अरे फॉसिल्स के पत्थर हैं आप देख पा रहे होंगे। इसकी एक खास बात बताऊं, देखो आपको ये येलो स्टोन तो मिल जाता है जैसलमेर में आम से, लेकिन ये वाले पत्थर ढूंढ ढूंढ के लाए जाते हैं। अगर सुबह ढूंढने लगो तो शाम तक एक ट्रैक्टर पड़ता है। बनाई गई नहीं नहीं होगा बिल्कुल, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई है इन्होंने, ये छोटे छोटे इसमें मतलब कंसेप्ट बहुत ही प्यारा ऐसा कंसेप्ट है। अच्छा ये बेडरूम, ओ क्या बात है, मतलब इसी के अंदर रहो, या नेटवर्क तो नहीं है, इन्होंने पर्सनली पत्थर वत्थर लाके और ये चीज तैयार की है। और फक सोशल मीडिया, आई एम डॉप इन लाइफ रियल लाइफ। गजब गजब, ओ वाओ, ये इधर भी एक रूम है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा कई सारी पेंट्री बनाई है इन्होंने, सबका ध्यान रखना है। हाँ हाँ, ये बाहर निकलने का रास्ता आपके पास सही थी। लुक एट दिस, ये है स्मोकिंग जोन जिसको बनाने के लिए तगड़ा लीवर चाहिए। एंड दिखा सकता हूँ आपको पूरी छत बियर की बोतल से, एंड इधर भी सारी बियर्स की बोतल। ओ भाई क्या बात है, ये किंगफिशर, इधर ट्यूबर्ग। मैं अभी स्मोकिंग जोन में जो पूरा बियर की बोतल से बना है, क्या बात है। ये जगह बहुत शानदार बनाई है सर आपने। तो ये 69 मॉडल है जो अपने भाई साहब अभी स्टार्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, शायद हो जाएगा, हो गई तो एक राउंड लेंगे इसका। शायद बैटरी सर गई, बैटरी गई इसकी। और इनकी ये गाड़ी देखो कितनी बढ़िया से इन्होंने तैयार कर रखी है, ये भी मेरे को लग रहा है पुराना मॉडल है, 84 के आसपास का मॉडल है, बहुत बढ़िया। और ये तो ऑफकोर्स पुराना है ही। ये तो ऑफकोर्स पुराना है, ये आपने सही है, तीनों अपनी मतलब विंटेज गाड़ियां एक तरफ लगा के रख दी। टाइगर जिप भी है, 8 मॉडल है, 60 यूएस की आती थी पहले आर्मी में, उससे डिस्पोजल करके ले रखी। ओके 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 ओके, भाई साहब के साथ। क्या बात है, देखने में तो बड़े टेस्टी लग रहे हैं बैंगन, और अभी खाएंगे तो आपको और बढ़िया से बता पाएंगे। लोकल भाई साहब के पास गए थे, बहुत अच्छा उन्होंने मान सम्मान दिया, लंच करवाया बढ़िया से, एंड खाना वाना बहुत शानदार था, उन्होंने खुद कुक किया। और ये देखो कितने टूरिस्ट आ रहे हैं यार ये सम वाली रोड पे। हम अभी कुछ ओवर नाम लिखवा रहे हैं जो साइड जो शीशा बना हुआ है गाड़ी पे उस पे, जस्ट बिकॉज कि यार सारे बोल रहे हैं यार आपने नाम बहुत कम लिखवा रखा है गाड़ी पे, तो सोच रहा हूँ कि ये भी लिखवा देता हूँ। ये वो नाम है जिसकी वजह से हमें 540 रुपए देने पड़े इतने से नाम के लिए, और ये वो नाम है इसमें ऊपर भी था जिसकी हमें सिर्फ 200 रुपीज देने पड़े। और ये देखो अभी हम पवन चक्की के बिल्कुल पास खड़े हुए हैं,
एक फोटो लेने के लिए, जस्ट वीडियो लेने के लिए। तो ते बिम्रा से जो टेंट का काम करवाया ना, इसमें बहुत दिक्कत है यार। पूरा पैकेट लेके आया हूँ, यहाँ रोड पे मिले थे मुझे इतने सारे बच्चे, 6 बच्चे मिले और है, गिनी गिनती में कम है अभी, तू ढूंढ के ला के इधर के। इनके लिए पूरा पैकेट लेके आए यार, भूखे हैं बेचारे रोड पे यार, दूर दूर तक कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। देखो छोटे छोटे बच्चे मतलब पागल ही हो रहे हैं, बिस्किट के लिए बहुत ज्यादा भूखे हैं यार, दूर दूर तक कुछ नहीं है। वैसे तो मीठा नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन यार गाइस यहाँ और कोई फैसिलिटी नहीं है। देखिए यहाँ से हम ले रहे हैं टर्न, हमें जोधपुर होके उदयपुर निकलना था, लेकिन हमने वो प्लान थोड़ा सा एक बार कैंसिल कर दिया। अभी हम निकल रहे हैं रामदेवरा के लिए, क्योंकि आगे कोई बढ़िया कैंपिंग की लोकेशन आएगी नहीं और लेट काफी हो गए हैं, तो धार्मिक स्थल है, मत्था भी टेक लेंगे। अभी रामदेवरा पहुंचने वाले हैं, बस 10 किलोमीटर बचा और यहाँ से मैंने चाय ली है, भाई भी चाय ले रहा है। तो एवरीबॉडी हम पहुंच गए हैं रामदेवरा में, और कहते हैं यहाँ पे मंदिर शायद बंद होने वाला है, क्या पता खुला भी मिल जाए। ये मंदिर की मार्केट है, देखो आप कितनी प्यारी मार्केट है, और कहते हैं मंदिर बंद हो गया है, तो एक बार हम चल के देख के आ रहे हैं, अगर खुला होता है तो अंदर मत्था टेकेंगे। देखिए मंदिर तो अभी तो बंद हो गया है, कल मॉर्निंग आएंगे फिर मत्था टेकने के लिए। मार्केट पूरी जगमगाती हुई देखने को मिल रही है, कलरफुल। तो ये रामदेवरा का दरबार है जो अभी ओपन है, और हम अभी अंदर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ रामदेवरा में हमने प्रसाद ले लिया है दोनों ने, देख बाबा रामदेव जी की समाधि मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ से अभी हम अंदर एंट्री लेंगे। जब मेला लगता है तब ये सारी लाइन्स इतनी बुरी तरीके से फुल होती है ना, अभी बिल्कुल खाली है और ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन हाँ आराम से आधे एक घंटे में हमारे दर्शन हो जाएंगे। एवरीबॉडी देखिए कितनी भीड़ है। तो ये स्थान काफी फेमस है, इसको परचा बावड़ी बोलते हैं। बढ़िया सी केसर चाय पी है अभी, और अभी हम जा रहे हैं राम सरोवर की तरफ, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे क्योंकि टाइम काफी हो गया है। एवरीबॉडी ये है राम सरोवर, और इसमें आप बोटिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ से भोजन लिया है ये, तो ये अपना भाई यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, अपने प्रसाद खत्म कर चुके हैं। आई एम ऑन द वे टू उदयपुर, अपना रामदेवरा का बहुत अच्छा सफर हो गया, अच्छे से दर्शन हो गए, और अभी हम निकल चुके हैं। तो पोखरण से गाड़ी में अपने डीजल डलवा रहे हैं, आगे का सफर अपना काफी लंबा रहेगा आज उदयपुर के लिए। उदयपुर तो नहीं जाएंगे, उससे पहले कोई कैंपिंग लोकेशन देखेंगे। एक क्या आ गया भैया राजस्थान में हरियाणा? मैं भी पहुंच गया हूं, आप देख पा रहे होंगे जोधपुर में, और जोधपुर से होते हुए आगे जा रहा हूं। तो एवरीबॉडी अभी एक जगह स्टे किया है, यहाँ कुछ कुकिंग करते हैं, क्योंकि आज मेरा 100 डेज वाला जो शॉर्ट का पार्ट है वो ज्यादा शूट नहीं हुआ है। बना रहे हैं मैगी पास्ता, ये देख सकते हैं। वैसे तो भूख नहीं थी, लेकिन आई थॉट कि यार कुछ खा लेते हैं। अभी आगे चल के एक बुलेट बाबा का मंदिर आएगा, तो हम वहां रुकेंगे थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद में आज हमारा स्टे रहेगा पाली में, पाली में मेरे को नॉन रहते हैं, तो उनके पास रुकेंगे। अभी मैंने बनाया जस्ट पास्ता, रोड पे बैठ के जब तक कुकिंग ना होती है ना मजा नहीं आता यार, कुछ भी कर लो। और अभी थोड़ा सा आगे बुलेट बाबा का मंदिर आएगा, वहाँ रुकेंगे। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, अभी जस्ट ओम बन्ना टेम्पल आने वाला है। ओम बन्ना टेम्पल के बारे में मैंने पहले ही बताया था, जिसको बुलेट बाबा का मंदिर बोलते हैं, तो हम अभी पहुंचेंगे बुलेट बाबा के मंदिर में। एवरीबॉडी ये ओम बन्ना टेम्पल जहाँ मैं लास्ट टाइम भी आया था, एंड अंदर शायद आरती चल रही है। ये है ओम बन्ना मंदिर, आप देख पा रहे होंगे, ये आता है जोधपुर पाली रोड पे।
एवरीबॉडी, ये देखिए ये है ओमन्ना टेम्पल और अभी हम टेम्पल के अंदर है। मैं आगे चल के आएगा पाली शहर, कॉलेज टाइम का मेरा एक दोस्त रहता है तो उसके पास अपना रुकना होगा आज का।